विजयोत्सव के हम इस डिपार्टमेंट में हैं, यहाँ डिपार्टमेंट है या रंगोली डिपार्टमेंट, आप सभी जानते हैं वसई का जूचंद्र, वसई तालुका का जूचंद्र जो है क्षेत्र, वो इस रंगोली में माहिर है, महारत हासिल है जूचंद्र क्षेत्र को। यहाँ अलग अलग तरह की रंगोली बनाई गई है, जिसमें पेशवा साहब की, उसके अलावा शिवाजी महाराज की। यहाँ एक रंगोली आप देखने जाओगे तो काफ़ी बेहतरीन है, एक व्यू एक तरफ से आप देखोगे तो शिवाजी महाराज दिखाई देते हैं, और उसके विपरीत दिशा से उसको देखा जाए तो एक लाइन शेर की प्रतिमा दिखाई देती है, यानी काफ़ी बेहतरीन प्रतिमाएँ, किले की प्रतिमाएँ हैं। और ये सब बनाने वाले जो इन प्रतिमाओं को बनाने वाले चित्रकार है, उसमें से एक चित्रकार करण वटार जी हमारे साथ मौजूद है। करण जी नमस्कार। नमस्कार। आपने कौन से चित्र बनाए? मैंने ये वाली रंगोली बनाई है, ये वाली। हाँ, गौरवशाली वसई की मोहिम। ये प्रतिमा क्या संदेश देती है, इस प्रतिमा का क्या मीनिंग है? इस रंगोली में मैंने ये दिखाया है कि पुर्तगीज जो थे उस समय चिमाजी अप्पा जी ने उनको लड़ाई में हराया था, तो उस समय का ये चित्र है जो मैंने दिखाया है लड़ाई के समय का। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग बनाई है कि आप सभी ने साथ में मिल के बनाई है? हम सभी ने एक साथ में मिल के बनाई है, एक एक रंगोली मैंने बनाया, ये प्रणीत भोई हमारे सर ने बनाया, ऐसे दूसरे भी है, पंकज पाटिल, हर्षद पाटिल, तो सबने, गणेश सालियर, भरत प्रधान, तो सबने मिल के हमने बनाया। आप जूचंद्र गांव वाले, जिनको इसमें महारत हासिल है और कई आप इनाम जीत चुके हैं, इसके पहले भी आपने कई प्रदर्शनी लगाया, आपको कैसा लगता है जब आपकी प्रतिमा लोग देखते और लोग आपको इसके लिए कहीं ना कहीं इनकरेज करते, तब आपको कैसा महसूस होता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि हम रंगोली के द्वारा लोगों को संदेश देते, कुछ नया नया संदेश देते, तो लोग हमारे ये कौतुक करते, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते, तो हमें भी अच्छा लगता है उनको कुछ नया दिखाने का, नया नया रंगोली के द्वारे उनको मैसेज देने का, बहुत अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, ये रंगोली के लिए आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं? क्या सीधा डायरेक्ट आपको चित्र दे दिया जाता है, उसको देख के आप बना सकते हैं, या आपको पहले प्रिपेयर करना? डायरेक्ट जो पिक्चर रहेगा वो देख के डायरेक्ट बनाते हैं। कोई भी पिक्चर आपको दे दिया जाए, इमीडिएट आप मतलब अपना जो समय टाइम पीरियड उसमें बना देते हैं बिना प्रैक्टिस के? हाँ, बिना प्रैक्टिस के। एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए 4 से 5 घंटे तो लगते हैं नॉर्मली। थैंक यू। एक करण वटार जी, जिन्होंने यहाँ ये प्रतिमा बनाई है, गौरवशाली वसई की मुहिम, इस प्रतिमा को इन्होंने किस तरह से बताया, इनके साथ जूचंद्र के जो लोग हैं वो इस काम में महारत उनको हासिल है, और उनको सिर्फ एक पोर्ट्रेट दे दिया जाए तो चंद घंटों में, चार पाँच घंटों में रंगोली के माध्यम से ये इस तरह से प्रतिमाएं बना सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन ये एक प्रोजेक्ट वसई का इतिहास, वसई के लोगों द्वारा वसई के लिए बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आप ज़रूर विजिट कीजिए और इनको आगे के लिए और भी सपोर्ट कीजिए। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786